कटिहार के मनिहारी अनुमंडल में आने वाले कई गांवों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ और कटाव से परेशान लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हैं। कई गांव गंगा नदी में समा चुके हैं। वहीं अब फिर गंगा के कटाव से मनिहारी के बाघमारा, गांधी टोला जैसे लगभग आधा दर्जन गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। पहले वहां रहने वाले किसानों की जमीन गंगा में विलीन हो गई और अब गंगा के किनारे रहने वाले लोगों के आशियानों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लोगों को डर सताने लगा है कि आखिर जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि अब पलायन ही इन लोगों के लिए एक आखिरी विकल्प बचा है। आप तो देख ही रहे हैं, 6 महीना पहले की स्थिति है। जमीन कहां से कहां था और कट के कहां से कहां चला है। कम से कम सैकड़ों एकड़ जमीन कट के गंगा माँ के कोख में समा गया, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं टूटी। अब आंदोलन पर आंदोलन हो रहा है, सरकार जरा सा भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। एक बार सरकार की तरफ से पेपर में निकला कि 55 करोड़ का बजट बना है, कहां चला गया? ये काढ़ा गोला क्षेत्र में पड़ता है, पूरा जो एरिया हमारा कटा हुआ है ये काढ़ा गोला के क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन सरकार जरा सा भी नहीं सोच रही कि क्या होगा। ये जमीन जरी सी बची हुई, थोड़ा करीब 50 एकड़ जमीन बचा हुआ है, अगले साल इसकी नामो निशान मिट जाएगा। इनका क्या होगा, इन गरीबों का क्या होगा, इसके परिवारों का क्या होगा, इनके बाल बच्चों को क्या होगा? सरकार को दर्द नहीं आ रहा है। दर्द होना चाहिए सरकार को कि इस गरीबों के प्रति सोचे कि आज ठंडे में किस तरह से मारे हुए लैंड पर रह रहे, सिंगल टोला में लोग रह रहे, किस तरह से बसर कर रहे हैं। सरकार का नींद नहीं टूट रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि आने वाले चुनाव में सरकार इस मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरेंगी, जिसको देखते हुए गांव की बड़ी आबादी ने वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। कुल मिला के ये राजनीतिज्ञों को, जिनको हमने निर्णय लिया है कि अपने गांव नहीं घुसने देंगे, आगामी आने वाले लोकसभा और विधानसभा का बहिष्कार करेंगे, उससे जो ये घबराहट जो है इन लोगों में आ गया है कि अब क्या जवाब देंगे। तो ये लोग अभी गांव की ओर चल रहे हैं, विस्थापितों के बीच जा रहे हैं, कटावग्रस्त एरिया में गंगा संसद कर रहे हैं कि ताकि हमारा मुंह रह सके, हम आगामी लोकसभा या विधानसभा के दौरान हम लोगों के बीच जा सके। मैं इस मामले में कोढ़ा विधायक पूनम पासवान का कहना है कि उन्होंने इस मामले को लेकर कई बार अधिकारियों से पहल की है, लेकिन किसी तरह की कोई मदद या आश्वासन नहीं मिला है। किस तरह से देखते हैं और सरकार का क्या पहल हो पाया अब तक? सरकार का जिस तरह से पहल होना चाहिए उस तरह से सरकार की पहल नहीं हुई। बांध के लेके और नदी के लेके इधर हाल फिलहाल में आज से 2-3 महीना पहले ललन जी माननीय मंत्री जी आए थे और इसकी बैठक भी किए थे, तो हर विधायक को बुलाया गया, MLC को बुलाया गया, तो सब अपने अपने क्षेत्र की बात रखे, क्योंकि मैं स्थानीय यहाँ की बेटी हूँ, तो इसको देखते हुए मैंने अपनी बात को रखा। तो बोले नहीं, मेरे पास आ चुका है, मैं उसके देखता हूँ, लेकिन उस बात को गंभीरता से जो लेना चाहिए उस गंभीरता से मुझे नहीं लगा मीटिंग में लिए, अपना एक फॉर्मेलिटी था वो करके चले गए। उसके बाद मैंने विधानसभा में भी इस बार सदन जो मैंने क्वेश्चन रखा था सदन में, तो उसका जवाब अभी तक हमको सरकार नहीं दिया इस मामले को लेके। उसके बाद फिर मैं लगातार इस बात को उठाते रही, मैं भी खुद यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मैंने समीक्षा की। देखिए आपसे बताएं, बहुत दिनों से सुन रहे हैं, काफी दिनों से, एक लंबे अरसे कि कटिहार जिला का ये मनिहारी ब्लॉक, अहमदाबाद ब्लॉक बहुत प्रभावित होता है और गंगा का कटाव होता जा रहा है और कट करके लोगों का जो घर है, मवेशी रखने की जगह है या उनकी काश्तकारी है, सब आहिस्ता आहिस्ता गंगा में जा रहा है। इसी के लिए आज हम लोग जमा हुए हैं। यह सवाल हमने राज्यसभा में भी उठाने का काम किया है, राज्यसभा में दिया है, काफी सवाल हमने इस इलाके के लिए किया है। जैसे सैलाब आता है, सैलाब से सारे लोग तबाह हो जाते हैं, हजारों लोग मरते हैं, जो देखा है आपने इस इलाके में कोसी और सीमांचल में, उस पर भी हमने सवाल उठाने का काम किया है, उसका भी जवाब आया है। और ये राज्य का मामला नहीं है, ये मामला केंद्र का है, केंद्र में हम ये बात रखना चाहेंगे। बहुत लोगों ने विधानसभा में, विधान परिषद में इस मामले को रखा है, लेकिन मुझे अफसोस है कि जो लोग सांसद बनते आ रहे हैं एक लंबे अरसे से, उन लोगों ने इस बात को उठाने का क्यों काम नहीं किया? गंगा के कटाव से पीड़ित हजारों परिवार आज भी विस्थापित की जिंदगी जी रहे हैं, ना तो जिला प्रशासन और ना ही जनप्रतिनिधि, इनकी सुधि नहीं थी। आंदोलन हुआ, धरना हुआ, लंबी लड़ाइयां लड़ी गई, लेकिन सिर्फ जनप्रतिनिधि राजनीतिक लोटियां सेकते रहे। ऐसे में अब
इन विस्थापितों ने वोट का बहिष्कार का मन बना लिया है। देखना होगा कब तक इनके साथ न्याय हो पाता है। हितेश रंजन, पंजाब केसरी, कटिहार।